नमस्कार, यूएफटी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। रुक करते हैं खास खबर पर, आइए देखते हैं। गोरखपुर लोकसभा विधानसभा पिपराइच और लोकसभा गोरखपुर 64 पिपराइच की गड़वा में हम खड़े हैं, जहां पर अभी कुछ दिन पूर्व ही समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता अमरेंद्र निषाद जो समाजवादी छोड़ करके भाजपा ज्वाइन कर लिए हैं। हिंदुस्तान की इस चुनावी माहौल क्या में ही यूएफटी न्यूज 24 के माध्यम से यहाँ की जनता समाजपूर्वक कराने के लिए आए हुए हैं, जिनसे हम ये पूछेंगे कि वो गठबंधन के साथ में है या कांग्रेस के साथ में या भाजपा के साथ में, क्योंकि 2019 चुनाव चरम सीमा पे है और माहौल बहुत ही गर्म हो चुके हैं। आखिरी चरण में यहाँ चुनाव होना है, इसलिए यहाँ के बुजुर्गों से मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। क्या नाम आपका है? नरेंद्र मोदी ने 2 करोड़ की बात की। आप जो गठबंधन हुआ है, मैंने इस मामले में भी क्या उसके साथ देना चाहेंगे? मुझे आप सच्चाई ये बताइए कि सच्चाई क्या ने जो 2 करोड़ नहीं किया जा सकते तो आप क्या असर पड़ा था यहाँ गाँव के लोगों से? आप सभी लोग परेशान थे, सभी लोग एकदम काफी परेशान थे, किसी का खाली नहीं हुआ, क्या कुछ रहने परेशानी की वजह से क्या क्या परेशानी बताई। क्या आपको लगता है कि जो उनको कांग्रेस पार्टी सफल है? सफल है, 2020 तक सफल भर के। आपको क्या नाम था? हीरल, ये बताइए कि गठबंधन जो मायावती अखिलेश किए हैं ये कहाँ तक चलाएगा? क्या ये दोनों लोग का साथ चल पाएगा? तो आप गठबंधन के साथ में हैं? अच्छा अच्छा, भाजपा के जो मोदी जी हैं इसको चौकीदार बना बता रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि मैं चाय वाला हूँ, कभी वो कहते हैं कि मैं चौकीदार हूँ, अब वो चौकीदार है। तो चौकीदारी जो कर रहे थे 5 साल, क्या उनकी चौकीदारी जो है कोई डिविजन आ रही है? नहीं आ रही है, यानी कि आप गठबंधन के साथ में है। अच्छा, हमारे साथ में भाई साहब और भाई ये बताइए कि आप किस गांव में मूलभूत सुविधाएं केंद्र सरकार के द्वारा योजनाएं आती है, जैसे शौचालय को लेकर के आई, वृद्धा पेंशन आई, क्या वो सब चीज़ आप लोगों को फायदा मिल रहा? जो बिजनेस आप करना चाहते हैं करिए, हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए, आप हिंदुस्तान को रोजगार दिलवाइए, हम आपकी मदद करेंगे। बैंक के जमा के बोलेंगे 3 साल के लिए कोई परमिशन को देगा। उस प्लानिंग किया अभी जो है 72,000 को सालाना देंगे, जैसे मोदी जी ने कहा 15 लाख में 15 लाख कांग्रेस के लोगों ने कहा सालाना 12,000 महीना देंगे। हाँ बात हो रही है, आप इसके साथ क्या शुरू कराता हूँ। ऐसा क्या नाम आपका है? किसान नहीं, मायावती और अखिलेश को जानते हैं आप? अच्छा, अखिलेश कौन है? राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी सपा 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 वाले अच्छा सपा को वोट देगा। तो हमारी आप इंटेंशन अच्छी तरह से तो गठबंधन हुआ अखिलेश माया में, हमने दो चीजें बड़ी चीजें दी। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नौजवान भी हैं जो इसलिए मैं आपको रूबरू करा रहा हूँ। किसानों का एक सतत बजट होना चाहिए, हिंदुस्तान के किसान को मालूम होना चाहिए कि उसको कितना पैसा दिया जा रहा है, उसकी एमएसपी कितनी बढ़ाई जाएगी। सब नौजवान बेरोजगार, तो ये हमारा पहला स्टेप और दूसरा ऐतिहासिक। अभी भाजपा से नहीं घुस चुका है, सपा का घोषित हो चुका है, कांग्रेस गठबंधन हुआ है सपा का और माया का, तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? आपने देखा अभी तो कोई अच्छा घोषणा बताया, अनिल अंबानी जैसे लोग, रोजगार की कोई, मेहुल चौकसी जैसे लोग, नीरव मोदी जैसे लोग चोरी कर, अभी तक वैकेंसी तो बहुत आई है लेकिन कंप्लीट बैंक का पैसा लेकर मगर जो हमारे किसान हैं ईमानदार लोग, शिक्षक भर्ती परीक्षाएं हुई आपने देखा, वो जब बैंक लोन लटका तो जो सरकार अगर वो पैसा कराने का मादा है वैकेंसी को लेकर ये नौजवान शिक्षित है, परेशान है, बेरोजगार है, बदहाली की अपने रो रहा है, इस बात को लेकर कि वैकेंसी भरा गया लेकिन उस वैकेंसी का उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कोर्ट में बहुत सी चीज ऐसी है जो लंबित चल रही है। हमारे साथ यहाँ कुछ और भाई बैठे हैं, भैया आप क्या करते हैं? तो वो क्रिमिनल तो ये भी बहुत ऐतिहासिक हिंदुस्तान के भविष्य। ये बताइए कि जो गठबंधन हुआ है माया अखिलेश का, गठबंधन चलेगा सफल होगा और गठबंधन की सरकार बनेगी, तो उनको आप मतलब वोट देना चाहेंगे? आप गठबंधन की सरकार अच्छा अच्छा, ये बताइए कि
कॉलेज है, आईआईटी, आईआईएम, हमारे जो बेहतर हम उसको सब सब लोग चुनावी घोषणा पत्र नहीं तो एजुकेशन के लिए हमारा किया है और आज कांग्रेस ने किया जिसमें कांग्रेस का एक बहुत बड़ा चुनावी घोषणा पत्र जो है आया है 72,000 का सालाना 15,00,000 तो मोदी जी दे रहे थे जो अभी तक किसी को मिला नहीं यहाँ के लोग का भी कहना है 72,000 का सालाना कांग्रेस देखिए क्या ऐसा लगता है कांग्रेस की सरकार बनेगी अब 72,000 देखिए सर हम यही बताना चाहेंगे कि यादव प्रधानमंत्री बनेंगे और वो जो आपसे वादा करेंगे वो पूरा। अच्छा तो यहाँ एक साल में कहा अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बनेंगे और वो जो वादा करेंगे वो पूरा करेंगे और हमारे साथ यहाँ के भी भाई साहब बताना है कहाँ के रहने वाले हैं। अच्छा ये बताइए अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे जो है 2 साल पहले विधानसभा चुनाव हुआ और विधानसभा चुनाव में यहाँ पे हर तरह के जो है उम्मीदवार अब गोरखपुर के अंदर जो है अभी अमरिंदर निषाद यहाँ से लड़ा करते थे जिनके पिता यहाँ से जमीनी निषादों के नेता हुआ करते अमरिंदर जी ने पाला बदल के साथ पढ़ने ले गए यहाँ से रामभुवन निषाद को समाजवादी पार्टी ने जो है तुरंत जो है टिकट दे दी क्योंकि संजय निषाद 2 दिन पहले गठबंधन किया 2 दिन बाद छोड़ दिए तो गठबंधन किए क्यों छोड़ दिया आखिर भाजपा ने उसको प्रलोभन दिया बस कोई लालच दिया और छोड़कर चले गए हमारे जो है ये जो गठबंधन रामभुवन निषाद हुए भाजपा ने तो अपना कोई अभी खाता खोला नहीं है कांग्रेस खोला तो रामभुवन निषाद यहाँ की जनता पूरी पूरी गठबंधन के साथ जाने को तैयार है। हम इस वक्त पिपराइच विधानसभा के गढ़वा में खड़े हैं जहां की जनता जहां पे है 100% में 60% मुस्लिम वोट है और 40% हिंदू बिरादरी मिक्स करके है जिसमें से 250 से 300 वोट SC ST का वोट यहां पर है। अब देखना ये कि आने वाले 2019 चुनाव में यहां की जनता गठबंधन के साथ में है। अब हमारे यहां पे कुछ माँ बहने हैं हमारी माँ समान है और उन लोगों से पूछना ये है कि महिलाओं को जो नोटबंदी हुई थी इसको लेकर के मोदी सरकार से उनको